बता दो भाई कैसा मौसम कट रहा है यार। आज बारिश का मौसम है भाई, और साथ में अंडा चॉप है, आम का भाई चटनी है। मजा नहीं जिंदगी, मजा नहीं जी जिंदगी। राम राम जी, आज आप लोग का स्वागत है दादा जी का ढाबा में। दोस्तों, ऐसा बरसात का मौसम हो तो किसका दिल नहीं करता है कि हम पकौड़े खाएं, या तो आलू का हो, प्याज का हो, टमाटर का हो, मिक्स पकौड़े हो, गोभी का पकौड़े हो, और बहुत सारे पकौड़े हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे भी देखिएगा। और आज हम बनाएंगे अंडे के पकौड़े, वो भी एक स्पेशल चटनी के साथ जो हमारे यहाँ मिलता है, आम की चटनी। आप भी बहुत बार खाए होंगे ऐसा चटनी, अगर नहीं खाए हों तो ज़रूर इस बार बना के ऐसे मौसम में ज़रूर खाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल चटनी और अंडे के पकौड़े बनाना। अंडे के पकौड़े बनाने के लिए हम 8 अंडे दिए हैं, तो सबसे पहले इसको उबाल देते हैं। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी इतना डालना है जिससे अंडा डूब जाए, और इसको धीरे आंच पे 8 से 10 मिनट पकाना है। इसको ढक देंगे, चूल्हा जला देते हैं, तो यहाँ से लकड़ दे देते हैं। इसको ढका हुआ है पन्नी से ताकि लकड़ गीला ना हो, बरसात का मौसम चल रहा है, और इसमें भी लकड़ डाल देंगे, चूल्हे में भी चूल्हा जला देते हैं। कढ़ाई रख देता हूँ अंडे का, जो कढ़ाई आपके पास ना खराब हो उसी में अंडा उबालें, या कोई सामान उबालते हैं तो, नहीं तो कढ़ाई खराब हो जाता है। इसको ढक देते हैं। अंडा हमें उबालना है लो टू मीडियम आंच पे, ज़्यादा तेज करेंगे तो अंडा फूट जाएगा। इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक इसमें डाल देंगे ढकने से पहले, और इसको एक बार चला देंगे, नमक पानी में चला जाए, और धीरे करके हम इसको उबालेंगे। तो देखिए 7-8 मिनट हो गया है और अंडा उबल गया, देखिए बीच में क्रेक भी नज़र आ रहा है। तो जब क्रेक हल्का हल्का होने लगे तो आप समझ लीजिए कि अंडा हो गया है। तो इसको ऐसे ही ढक देंगे और इसको उतार देंगे। उबालने के बाद आप अंडा को निकालें एक या दो करके, और एक ढक्कन पर रख दें, इसी ढक्कन पर जिसको आप ढक रखे हैं, और इसको 1 से 2 मिनट ठंडा होने दें, इसके बाद छील दें। ज़्यादा देर तक रखेंगे तो छीलने में अंडा दिक्कत हो जाएगा। पानी से निकाले हुए अंडे को 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम इसी पर ऐसे ऐसे ठका लेंगे, या तो हाथ से ऐसे ऐसे घुमा लें, और पूरा अंडा आपका निकल जाएगा। इसके साथ एक साड़ी होता है, उसको पकड़ के छीलना होता है। ये साड़ी आपको पकड़ में आ गया तो गर्म गर्म आप अंडा आसानी से छील पाएंगे। इसी तरह हम अंडा छील देंगे, थोड़ा सा अंडा ठंडा हो जाता है ना तो उसका साड़ी अपने आप आपके हाथों में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। आप कोई भी सरसों रिफाइन जो भी खाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। पकौड़े के साथ खाने के लिए हम एक टेस्टी सा चटनी बनाएंगे। एक कच्चा आम लिए हैं, ये आपको दिख रहा है कि पीला है लेकिन नहीं, ये कच्चा आम है। यहाँ पर 6-7 हरी मिर्च दिए हैं, हरी मिर्च थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आम खट्टा होता है इस वजह से थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मिर्च ज़्यादा लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिए हैं और 3 कलियाँ लहसुन का लिए हैं। तो आम को सबसे पहले हम छील देंगे और बारीक बारीक काट देते हैं, फिर हम चटनी पीसेंगे। ये देखने में लग रहा है कि पीला हो गया है लेकिन बिल्कुल ही हार्ड है अभी। इसको पतला पतला काट देंगे ताकि ये पीसने में आसान होगा। ये बीजू आम है, बहुत खट्टा होता है, देख रहे हैं खाली इसमें गुद्दा नहीं है, खाली गुठली गुठली है इसमें। तो पीस देते हैं चटनी को, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे। इतना टेस्टी आम का चटनी बनता है कि मुंह में पानी आ जाता है। चटनी हम दरदरा ही पीस लिए हैं और इसको एक कटोरी में उठा देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इस चटनी में लहसुन नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं है, चटनी एकदम मस्त बनेगा, अदरक से ही मस्त हो जाएगा। यहीं पे हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 2 से 3 बूंद सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से कोई भी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। बस अरे हमारा चटनी बन के तैयार हो गया है, इसको चला देंगे।
यहाँ ठंडा हम उबाल रखे हैं उसके जो 100 ग्राम बेसन दिए हैं और यहीं पर डालेंगे 1 टीस्पून से कम नमक। यहाँ पे हम दिए हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट दिए, हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता दिए हैं। ये सारे को इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्चा भी डाल सकते हैं। हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। लाल मिर्चा हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, हरी मिर्चा से बनाएंगे। आप कोशिश करें कि कोई चीज़ बनाए तो लाल मिर्चा ना डालें। यहाँ पे हम लिए हैं चावल का आटा। अगर ज़्यादा क्रिस्प करना है आपको तो 1 चम्मच से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं चावल का आटा, इससे बढ़िया आपका पकौड़ा क्रिस्प होगा। इसको मिक्स कर देते हैं और इसमें हल्का हल्का हम पानी डाल के एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। पकौड़ा के लिए तो बैटर गाढ़ा बनता ही है, लेकिन अंडा के पकौड़ा के लिए सबसे ज़्यादा गाढ़ा बैटर हम बनाएंगे। वैसे तो हम पकौड़े बनाते हैं आलू के पकौड़े, उसके लिए भी गाढ़ा बैटर होता है, लेकिन थोड़ा पतला होगा तो चल जाएगा। प्याज का पकौड़ा बनाते हैं या ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा मोटा बैटर रखते हैं, लेकिन उससे भी मोटा बैटर होना चाहिए अंडा के लिए, क्योंकि अंडा ऊपर से एकदम स्मूथ होता है, तो मोटा रहेगा तभी उसके ऊपर कोट हो सकता है। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। इस तरह का गाढ़ा बैटर होना चाहिए कि अंडा पे आसानी से कोट। ये देखिए इस तरह से मोटा बैटर होना चाहिए, इस तरह से। तेल हमारा एकदम ठीक ठाक गर्म होना चाहिए। बैटर हमारा बन गया, अंडा काट देते हैं। तो अंडा को ऐसे हाथ पे देंगे हम और बीच से कोशिश करेंगे बीच से कट जाए। अगर बीच से नहीं कटता है तो भी कोई बात नहीं है, अगर बीच से अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज होता है तो भी कोई बात नहीं है, इस तरह से कटेगा। और इसको इसमें हम डालेंगे और कोट करके डाल देंगे, कहाँ पे, कढ़ाई में। देखिए तो 4-4 अंडा का हम पकौड़ा बनाएंगे और इसको अलट पलट के हम करारा कर देंगे। देखिए नीचे से लग रहा है कि चिपका हुआ है, लेकिन ये जला नहीं है, लेकिन इसको पलटना भी है तो 1 मिनट के बाद ही पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, इसका बेसन जो है ना कोटिंग वो हट जाएगी। तो देखिए अलट पलट के हम इसको करारा कर दिए हैं, अब निकाल देते हैं। तो एक पीस उठाएंगे, कोट करेंगे, इसमें डाल देंगे। इसको चला देंगे 1 मिनट के बाद, नीचे से थोड़ा सा चिपक जाता है, कोई बात नहीं है, जलेगा नहीं। 1 मिनट के बाद आप पलट देंगे ना तो जलेगा नहीं। और इसको करारा कर दीजिए जितना आपको करारा करना है। पकौड़ा जितना तेल में डूबा रहेगा उतना ही बढ़िया बनेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तेल चाहिए। इसको 3 से 4 मिनट रखेंगे ना धीरे आँच पे, तो बढ़िया से करारा हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से तेल निचोड़ दें और तेल निचोड़ के प्लेट में डाल दें। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारा अंडा का पकौड़ा बना है। इसी तरह हम सारा पकौड़ा बना देंगे। हमारे सारे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। इस पर थोड़ा सा मोटी कोटिंग होती है, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा 1-1/2 मिनट ज़्यादा करारा करेंगे ना तो बढ़िया से अंदर तक ये क्रिस्प हो जाएगा। हमारा सारा अंडे के पकौड़े बन गए हैं, लेकिन बेसन इतना बचा हुआ है, तो इसमें हम एक प्याज काट दिए हैं बारीक बारीक और इसी में डाल देंगे। प्याज जब डाल दें तो इसमें हल्का सा नमक भी डाल दें जितना प्याज डाल रहे हैं, और बस इसका भी हम पकौड़ा बना देंगे। तो इस तरह से आप पकौड़ा लेके हाथों में और डाल दें। तो पकौड़ा हमारा बन के तैयार है और चटनी भी तैयार है, तो सर्व कर देते हैं।
ये देखिए हमारा पूरा अंडा का पकौड़ा बन के तैयार हो गया और साथ में चटनी भी है और मौसम भी एकदम बरसात का हुआ है और खाने वाले भी पहले से तैयार हैं। इस मौसम में किसे नहीं पकौड़ा पसंद आता है, चाहे वो प्याज का हो या अंडे का हो या आलू का हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये लोग क्या बताते हैं, कैसा बना हुआ है अंडा का पकौड़ा। हाँ तो भाई साहब, खा के आप लोग बताओ कि ये बरसात का मौसम कैसा कट रहा है। और ये प्याज का पकौड़ा भी बना दिया हूँ। जब तक आप बताओ तो अच्छा ही कट रहा है। अंडा चौपड़ी है, आम की चटनी है। हाँ, ये आम की चटनी है भाई साहब। अच्छा, ये प्याज के पकौड़े भी आगे भाई, प्याज के पकौड़े। इधर दोस्तों सलाद तैयार है। आई एम डाइट को बोला डाइट पे हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं सलाद खा रही हूँ। ओके चलो भाई खाओ। मैं प्याज का खाती हूँ और मैं अंडे का। चटनी किस चीज की, आम की है क्या? नहीं, करेले की। तो आम की रही है, दिख भी आम की रही है। बढ़िया बने, बेहतरीन। बरसात में मजे आ गए। बरसात का मौसम है। करने वास्ते यहाँ पे मैं एक आपको अंडा चॉप तोड़ के दिखाती हूँ भाई। देखो भाई, है ना मज़ेदार। एकदम गरम गरम भाई। और बस इसको डिप करो, कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो। लेकिन बिहार में अंडा चॉप है ना ये, तो ये आम की चटनी के साथ ही मिलता है। ये चटनी ना लाल और हरी का चक्कर नहीं रहता। आम का सीजन खत्म हो जाता है तो इमली डाल के फिर बनाया जाता है और उसके साथ सर्व किया जाता है। तो ललित भाई ठीक है, मस्त मौसम कट रहा है। मजा आ गया भाई। बता दो भाई कैसा मौसम कट रहा है यार। आज बारिश का मौसम है भाई और साथ में अंडा चौप है, आम का भाई चटनी है। मजा नहीं जिंदगी, मजा नहीं जिंदगी। बाबा मौसम अच्छा कट रहा है, आप भी आ जाओ। एक चक्कर और है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर ट्राई करें और इस बारिश में अंडा वाला पकौड़ा भी बनाए जरूर भाई। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। खाने वाले खाएंगे अंडा के पकौड़ा, मैं तो खाऊंगी अपना सलाद। हेल्दी सेक्शन।